तुम्हें अपनी जान की माफी चाहिए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। नहीं कि तुम्हारे इस रवैये पर हम तुम्हें मृत्यु दंड दे सकते हैं। आज बसंत पंचमी है। आम हिंदुस्तानी आज के दिन बसंत पंचमी का मतलब मानता है पीला कपड़ा, पीली पतंग, पीली डोर, पीला हलवा आदि आदि। लेकिन बसंत पंचमी के इस रंग में जिन्होंने अपने खून का रंग मिलाया है उनमें से एक बहुत बड़ा नाम हकीकत राय का है। वैसे 14 फरवरी को 5 साल पहले हमारे 44 CRP के जवानों के खून का रंग भी मिला है। वो शहीद हुए थे पुलवामा में। तो बसंत ऋतु जहाँ सरस्वती माँ की पूजा का दिन है, वहाँ सरस्वती के और भारत के महान बेटे हकीकत राय का बलिदान दिन है। गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों के बाद और उनसे पहले भी जो कोई नाम आता है तो वो वीर हकीकत राय का आता है, जिसने जिंदगी के 14 साल पूरे किए, 15वां बसंत नहीं देखा और बसंत के दिन उसका सिर मुगलों के दरबार में इसलिए काट दिया कि उसने कहा था मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, अगर मुसलमान बन के ही मरना है तो मैं हिंदू बनना ही स्वीकार करता हूँ। और उसने खास बात कही कि मैं अपने धर्म से नहीं गिर सकता, और मुसलमानों ने उसे बड़े लालच दिए। उसके माँ बाप ने भी एक बार कह दिया बेटा दिखाई देता रहेगा, एक ही बच्चा है। 12 साल की उसकी पत्नी भी थी, उन दिनों बाल विवाह होते थे, पर ये नहीं माना। इसको पत्थर मारे, संगलों में बांधा, आधा शरीर जमीन में गाड़ा, और उसके बाद जब ये बिल्कुल लहूलुहान हो गया पत्थरों से तब इसका सिर काटा गया। शानदार हकीकत। मदन लाल ढींगरा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुद ही राम बोस की तरह इसने अपना सिर आगे किया और चैलेंज किया मुगलों, काटो मेरा सिर, शरीर मरता है आत्मा नहीं मर सकती। लेकिन अफसोस है कि हम लोग पीले कपड़े और डोर पतंग में इतना खो गए, देशवासियों को अपना हकीकत याद नहीं रहा। मेरी सबसे प्रार्थना है बसंत मनाइए, पर बसंत जिनके कारण हमें मिला है उस वीर हकीकत को भी याद रखें। मंदिरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, गुरुद्वारों में, जहाँ जहाँ हिंदू समाज आज सिर ऊंचा करके खड़ा है, उस सिर ऊंचा करने में हकीकत राय का योगदान है, ये याद रखें। जय श्री राम।